नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरह से सर्दियों का मौसम आने वाला है और उसके लिए जो गेंदे के फूल की किस तरह से बागवानी की जाए, तैयार किए जाए बहुत सारे गेंदे के फूल घर में ही, और हमने बताया था किस तरह से उसे तैयार करना है। और ये जो हमारी पौध अब तैयार हो चुकी है, लगभग 20 दिन का वक्त गुजर चुका है और ये जो है पौध तैयार है। अब इसे किस तरह से ट्रांसप्लांट करना है ताकि आप बहुत सारे गेंदे के फूल अपने घर में, अपने बाग में उगा सकें और उन फूलों को आप इस्तेमाल कर सकें, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बताते हैं क्या कुछ तैयारी करनी है और किस तरह की सावधानियां रखनी है इस पौध को ट्रांसप्लांट करने में। तो देखिए, तैयारी यहां पर पूरी है। संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, ये जो आपने शायद पॉटिंग मिक्स लिए है अलग से, ये क्या क्या है? हमने बिल्कुल ही घर में जो चीज़ें रहती हैं हमारी उसी से बनाई, मतलब कोई ज़्यादा इसमें हमने अलग से चीज़ें नहीं डाली हैं। इसमें हमारे पास कुछ पार्ट मिट्टी है और गोबर खाद है और हमारी घर के ही बनी जो किचन वेस्ट कंपोस्ट रहती है वो, उससे हमने ये मिट्टी तैयार करी है। इसको हमने बिल्कुल हल्का भुरभुरा कर लिया है। भुरभुरा करने के लिए इसमें हमने थोड़ी सी बालू रेती मिलाई है जिससे ये बिल्कुल एक सैंडी लोम सा मिट्टी, मतलब ठोस ना हो, जमे नहीं उसके लिए। और वैसे गेंदे के पौधे की जड़ों को आसानी से फैलने की जगह मिलेगी जिससे, और उसके बाद इसमें लगे पौधे जल्दी फूल भी देने लगेंगे। तो मतलब इसमें हमने खाद की पूरी तरीके से ध्यान भी रखा गया है कि इनिशियली स्टेज में पौधे को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो गोबर खाद उसको पूर्ति करेगी और बाकी जो कंपोस्ट है उसमें हमारे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये रहते ही हैं। और ये पौधे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमने सस्ते तरीके से जो पूजा के जो फूल बच जाते हैं उन्हीं का यूज़ करते हुए जो हमने पौध तैयार करी थी। पूरा पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं पूरी प्रक्रिया किस तरह से लगाया गया था और ये जो है मेहनत जो है रंग लाई। ये हमारे पास इस तरीके से नर्सरी बैग्स हैं, इस नर्सरी बैग्स में हम इन्हें लगा रहे हैं क्योंकि अभी तो हमारे पास कंटेनर ऐसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इसमें क्या है लगाने के बाद में हम इसको किसी एक जगह रख सकते हैं और उससे एक बढ़िया लगातार जो फूल आएंगे तो एक लैंडस्केपिंग में भी काम हो जाएगा इसका। तो चलिए, ये जो बैग्स हैं इसे हम भरते हैं और ये जो हमारे प्लांट्स तैयार हो चुके हैं इन्हें ट्रांसप्लांट करते हैं। देखिए, हमारी मिट्टी में बिल्कुल बकायदा जैविक तरीके से, तो इसमें केचुआ आपको दिख ही जाएगा। और ये थैलियाँ जो हैं हमारी, ये करीब 6 इंच की है और 6 इंच गहराई की, तो इसमें गेंदे का पौधा बहुत अच्छी आसानी से बड़ा हो सकता है और इसमें आप उसे लगा रहना भी छोड़ भी सकते हैं। और ये जो है दूसरे नंबर की प्रक्रिया है और इसके बाद जब आप इससे तैयार होने के, इसे आप फिर अपने अलग से गमले में लगाइए ले जाकर, और जब बड़ा होगा, जब ज़्यादा अच्छे फूल देगा, इसमें लगभग कितने दिनों तक रख सकते हैं संजय? इसे आसानी से आप मतलब करीब 1 से 2 महीने आप इसको आसानी से रख सकते हैं और इसमें भी फूल देने लगेगा। देने लगेगा, हाँ, थोड़ी सी जड़ें उसकी होगी लेकिन आप इसमें आपको उसको ऊपर से खाद देना रहेगी, लिक्विड खाद हर 15 दिन के अंदर में। उसमें आप क्या कर सकते हैं, सरसों की खली का पानी बना के भी आप उसको खाद के रूप में दे सकते हैं। और जैसे ही फूल आने लगे तो आप ऐसी खाद दें जिसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो, तो सरसों खली एक तो अच्छा विकल्प रहता ही है। ये तैयारी पूरी हो चुकी है, ये बैग्स हमारे तैयार हैं यहाँ पर पॉटिंग मिक्स के साथ, और संजय ने बताया है आपको किस तरह से क्या कुछ इसमें लेना है कंटेंट। और अब संजय आप क्या करने वाले हैं? अब हम ये जो पौधे तैयार हो चुके हैं इनको हम इसमें ट्रांसप्लांट करेंगे। ये देख सकते हैं इसकी जड़ें अच्छे से फैल चुकी हैं। इसमें क्या किस तरह की जो है सावधानी बरतनी चाहिए इस प्लांट को, जो है छोटे से ये बड़े नाजुक से पौधे हैं, इन्हें इस तरह से ट्रांसप्लांट करने के लिए? सबसे पहली बात तो जब भी आप इनको ट्रांसप्लांट करें या तो कोशिश रहे शाम के टाइम करें, हल्की धूप हो उस टाइम करें, और उसके बाद इसको सीधी धूप में नहीं रखना है, कम से कम 1 हफ्ते तक इसे हल्की शेड में रखना है
जिससे क्या होंगे ये पौधे आसानी से उसमें अपने जड़ें को जो इसमें जो स्ट्रेस में चले जाते हैं वो स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और उनको उसको जो शॉक मतलब ट्रांसप्लांट का जो शॉक लगता है वो नहीं लगेगा। और मतलब आप देख सकते हैं कि इसको आप लगाएंगे उसके बाद में कुछ देर बाद इसकी पत्तियां थोड़ी सी मुरझाई हुई दिखी देगी आपको, तो आप उससे घबराए नहीं, उसको हल्की शेड वाली जगह में रख दीजिए और इसमें एक बार इस मिट्टी में हल्का सा पूरा पानी दे दीजिए। देख सकते हैं कि इसमें हमने एक तो बड़े कंटेनर में लगाया था तो इसकी जो जड़ें हैं इसको हल्के से निकालना है, ये इस तरीके से पूरी रूट बॉल के साथ में ही इसे लगाना है, मतलब आपको इसकी पूरी ज़्यादा मिट्टी नहीं निकालनी है, ये निकाली इसमें हल्के से रखा हमने इसमें और ऊपर से आपने इसमें मिट्टी डाल के इसे पूरी तरीके से उसे दबा देना। दबाने का खास बात यह रहती है कि जड़ों को रहेगा बाहर से हवा नहीं लगेगी और फंगस वंगस लगने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से लगाए हुए आपके गेंदे के पौधे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और फूल देने के लिए। सकते हैं कि एक ही फूल से हमने इतने सारे पौधे तैयार कर लिए, हम नर्सरी जाएंगे नहीं। आपका कहना है मतलब कि एक फूल जो था उसे मसला आपने उसकी जो पंखुड़ियाँ इसमें बिखराई उससे ये इतने सारे पौधे, तो देखिए कितना मतलब प्रकृति वाकई चमत्कार है। ये एक फूल से आप इतने, अब इसमें आप हज़ारों फूल आप अगर कितनी केयर करेंगे बहुत सारे पौधे बना सकते हैं और इन पौधों से भी और पौधे बना सकते हैं। संजय आपने बताया कि गेंदे का ये जो प्लांट है इसी से आप बिना बीज लगाए बिना फूल मसले आप फिर इससे प्लांटिंग हम कर सकते हैं। हाँ, तो वो भी एक वीडियो हम हमारे दर्शकों के लिए बनाएंगे। हाँ, इन फ्यूचर आप तो उसमें हम गेंदे की कटिंग से किस तरीके से पौधा तैयार कर सकते हैं ये तो हमने फूलों से मतलब एक प्रकार से उसके पंखुड़ियों के जो बीज मतलब पंखुड़ियाँ मतलब जो उसकी बीज हैं उसी से हमने पौधे तैयार करे हैं। और एक होता है उसी कलम से मतलब ऑलरेडी जैसे ये पौधे तैयार हो चुके हैं इन्हीं को हम काट लेंगे ऊपर का एक हिस्सा पौधे की उसमें से काटने के बाद में उसको हम डायरेक्ट पॉटिंग सॉइल में उसको हम छोड़ देंगे लगा के। और कुछ दिनों बाद उसमें भी लगाने वाला किसान है और वो अपने खेत के चारों ओर मेड़ पर अगर गेंदा लगाएं तो एक तरीके से ये गेंदा उसकी फसलों की सुरक्षा भी करेगा क्योंकि ये एक प्रकार से ट्रैप क्रॉप का भी काम करता है। मतलब इस ये फसलों में लगने वाले जो सब्जियों में और इसमें फसलों में जो लगने वाले जो कीड़े रहते हैं वो इस गेंदे की पत्तियों की खुशबू से नहीं आते हैं और अधिकतर इस गेंदे के जो पौधे रहते हैं उन्हीं पर वो कीड़े लगते हैं और वो पूरी की पूरी जो फसल रहती है उसमें लगने से एक तरह से एक सुरक्षा चक्र बन जाता है वहाँ पे। बहुत ही मतलब बहुत ही काम का है ये गेंदा। हाँ, लेकिन है बहुत सस्ता, बहुत ही आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। और इस वीडियो को आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसे भी आप जाकर देखिएगा चैनल पे, और इसके जस्ट पहले वो वीडियो अपलोड हुआ है आप उसे देखिए और किस तरह से ये पौध तैयार की है उसके बाद ये वीडियो हम आपको दिखा ही रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारे पौधे तैयार हो चुके हैं, ट्रांसप्लांट हो चुके हैं यहाँ से यहाँ, और इस तरह के अभी और बैग हमारे पास बाकी हैं, इन्हें भी हम पूरा करेंगे आपको दिखाने के लिए। ये इतना हमने तैयार किया है, तो इस तरह से पौधे तैयार करके आप अब इनसे बढ़िया से फूल, और लगभग संजय कितने समय बाद ये फूल जो है देने लगेंगे पौधे? ये आपस
20 से 22 दिन के अंदर में इनमें कलियां आने लगेगी। और थोड़ी केयर आपको इसकी करनी है, बाकी तो ये केयर अपनी स्वयं कर लेगा। बस इसमें बीच बीच में आप हल्का सा, जैसे पत्तियों में अगर कीड़े से बचाना है इनको, वैसे तो कम लगते हैं लेकिन लीफ माइनर और इनका अटैक्ट होता है, तो आप बीच में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया किस तरह से जो गेंदे के पौध को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किस तरह से आप गेंदे के फूल का लुत्फ उठा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक और नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।